बहुत एक्साइटेड हूँ और लिपस्टिक का नाम बुरखा फाइनली रिलीज़ होगी 21 जुलाई, तो नर्वस भी हैं हम लोग थोड़े कि हाउ पीपल गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द फिल्म, बट बहुत खुशी की बात है लंबी लड़ाई के बाद फिल्म फाइनली पब्लिकली स्क्रीन होने वाली है, सो आई थिंक वी ऑल एक्साइटेड. या हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं कि इतना कुछ के बाद फाइनली फिल्म रिलीज़ होने वाली है, लेकिन लड़ाई तो है आई थिंक सेंसर बोर्ड से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी कि जो आम तौर पे हम जिनसे भी मिले हैं रेगुलर पब्लिक से ऑन इन स्पेशली मीडिया से जिनसे भी बात किए हैं सब बहुत सपोर्टिव रहा है. एवरीबॉडी हैज़ बीन सो सपोर्टिव. एवरीबॉडी हैज़ सेड व्हाई इज़ देयर सच अ बिग डील अबाउट द सेंसर, व्हाई आर दे सेंसरिंग, वी रियली वांट टू वॉच द फिल्म, और बहुत साथ दिया है लोगों ने और मीडिया भी. सो आई रियली फील दैट पीपल आर विथ अस. तो अलंकिता को मैं काफ़ी दिन से जानती हूँ, इतनी अच्छी तरह से नहीं लेकिन काफ़ी दिन से जानते हैं हम एक दूसरे को. तो उन्होंने जब कहा कि एक स्क्रिप्ट है आप प्लीज़ पढ़िए, तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड इट. और स्क्रिप्ट पढ़ के ही इनफैक्ट मतलब बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई स्क्रिप्ट, बिकॉज इट वॉज रिटन सो वेल. यू नो इट्स अ वेरी वेल रिटन, वेल फ्लैश आउट स्क्रिप्ट, जहाँ पे ऑल द कैरेक्टर्स आर वेल फ्लैश आउट एंड delineated very beautifully, very realistically, very honestly. तो ऐसी स्क्रिप्ट ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है. और मेरे किरदार के नाम है शिरीन असलम, वो तीन बच्चे की माँ है, उनका एक स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड मैरिज है, इट्स नॉट अ वेरी गुड मैरिज, एंड she comes from a low middle class setup and also a very conservative kind of a background where she's required to expected to wear a burqa when she steps out of the house. So aise kahaniyan hum zyada films mein nahi dekhte hain. You know, we don't see too many stories of women who are you know, in their 30s, or we don't see too many stories of women with children, or stories about you know, older women maybe in their late 50s and their sexual awakening, or even in younger women when they take their lives or their sexuality into their own hands. These kind of stories are very rarely seen, and I feel these kind of stories are also important. So it was a real pleasure to receive the script, to get to read the script and to be a part of this film. मैं बहुत क्लियर हूँ. मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक वुमन हूँ, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, और मुझे किसी से डर नहीं लगता इस तरीके से. जो मैं सिंसियरली ऑनेस्टली जो मैं कह रही हूँ, आई बिलीव इन इट. मुझे लगता है कि औरतों और पुरुषों का इक्वल राइट होना चाहिए अपनी कहानियाँ बताने का, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई डाउट है. और मुझे जितना मुझे मालूम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है कि हम एक फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और इस फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके की सेंसरशिप का कोई रोल नहीं है. तो मैं तो सच्चाई के पाथ पे हूँ, मुझे कोई भी कुछ बोल दे मुझे उससे कुछ वो नहीं है. और मुझे जस्ट बस लगता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है औरतों की कहानियाँ पर्दे पे दिखाएं, उनको डिस्कस किया जाए, क्योंकि हम बहुत सदियों से उनको मतलब साइड में ही रखे हुए हैं, और पर्दे पे भी देखते हैं उनके पर स्टीरियोटिपिकल रोल्स होते हैं या उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है. तो उनके नज़रिए से उनके ज़िंदगी में क्या बीत रही है, ये तो हम उसकी कभी चर्चा ही नहीं करते हैं. और हम एक पुरुष प्रधान समाज के तौर पे वो उसको उस चीज़ को हमेशा साइड पे रख देते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है लाइफ में. तो इंडिया जैसी कंट्री में ये एक ये भी एक चीज़ ऐड करती है. ऑलरेडी इतना डिस्क्रिमिनेशन है औरतों के अगेंस्ट, तो ये सब चीज़ें ऐड करती है. तो मुझे लगता है हमारा पॉपुलर कल्चर ऐसा होना चाहिए जब हर तरह की कहानियाँ और फिल्में किताबें सब अवेलेबल होनी चाहिए, और हर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जगह होनी चाहिए. ये नहीं बोले कि ये मत करो वो करो, बट इफ़ यू हैव सो मेनी फिल्म्स विच आर कम्प्लीटली लाइक केटरिंग टू अ मेल पॉइंट ऑफ व्यू, वाई कांट यू, एंड दैट ऑल्सो हेट्रोनोमेटिव काइंड ऑफ गेज, वाई कांट यू हैव फिल्म्स विच प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू, एंड वाई शुड दे बी स्टॉप्ड, जस्ट हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड. तो एक फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में सिनेमा के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है मेरे हिसाब से. बहुत ही अच्छा रहा ये. हम लोग भोपाल में जाके एक्चुअली शूट किए थे, तो रियल लोकेशंस में जाना मतलब दैट इज़ अ
completely different flavor which you can get from that. It lends an air of authenticity, you know, and it feels more real in that sense. And I'm also very grateful to all the men who have made this film possible, including, of course, Prakash Jha, who is the producer of the film, all the actors. In fact, most of my work was with my co-star, Sushant Singh, who is a wonderful co-star, who is a wonderful actor, very compassionate and sensitive, and made me and I think everybody very comfortable, you know. And we have many other such actors in the film who are also important to tell these kind of stories, and they have really supported us, so we are grateful to them. And I also want to say that we have done nothing wrong. I mean, it's not like we have committed a crime or done anything wrong. We are just telling the experience of women. This is not a crime. The crimes are things like female infanticide, violence against women. These are the crimes. So we should be very clear, like, what is the right thing and what is the wrong thing, you know. These are just different perspectives and different experiences which are being told on screen, and they should be treated accordingly. मैं तो ये बोलना चाहूँगी, ये फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में 2017 में ये सेंसर बोर्ड का कोई काम ही नहीं है. उनका टाइम हो गया है, उनको बाय बाय बोल देना चाहिए. और हमें एक नॉर्मल सर्टिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए जहाँ फिल्म मेकर्स जाएँ और हमें सर्टिफिकेट, एज अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिले. ये कि कोई हमारे ऊपर बैठे मॉरल गार्डियन की तरह, आप ये देख सकते नहीं. ये तो एक्चुअली इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू द इंडियन ऑडियंस. आप बोले कि इंडियन ऑडियंस इंटेलिजेंट ही नहीं है, वो खुद डिसाइड ही नहीं कर पा रहे. सो आई थिंक अगर हम वोट कर सकते हैं, अपनी सरकार खुद इलेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इतना इंटेलिजेंस तो है इंडियन ऑडियंस में कि वो उन्हें कौन सी पिक्चर उन्हें अच्छी लगी, क्या उन्हें देखना है. जी बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट अलंकृता इज सेइंग, बिकॉज इफ आई एम एन अडल्ट, नॉट इफ, आई एम एन अडल्ट एंड आई कांट डिसाइड व्हाट फिल्म आई वांट टू वॉच. You tell me it's an adult film. Correct. Maybe I won't take children to see it. You know that. I mean, but if you just tell me if it's an adult film or it's a UA or it's a U film, that's all. And I have to many know. More categories. Have more categories. Ki above 13, above 18, above 20, whatever. Have more categories. But other than that, how can you? You're telling me it's an adult film. I've decided. Okay, chalo. I want to watch this film, even if it's an adult film. I go to watch it. Then I find that I'm not being given a choice. You are taking away my choice from me by telling me what I can watch and what I can't watch. Why are you doing that? And who has given, we as citizens of India should not give them the right to do this, no? Ji. Ideally, there shouldn't be a censor board at all. There should only be a certification body. Ji, ji, ji. Actually, abhi tak is tarah se criticize to sirf CBFC ne kiya hai. To main CBFC ko pura utna importance nahi dena chahungi. मुझे नहीं लगता उनको फिल्म्स के बारे में उतना कुछ आइडिया है. नर्वसनेस तो है, बिकॉज व्हेन योर फिल्म इज़ ओपनिंग यू वांट पीपल टू वॉच इट एंड यू डोंट नो वेदर दे व्हाट दे फील अबाउट इट. बट या वी आर एक्साइटेड एंड हाँ. और मुझे क्या लगता है कि ये जो रिलीज़ है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिपस्टिक अंडर माय बुरखा. ये सिर्फ लिपस्टिक अंडर माय बुरखा की रिलीज़ के बारे में नहीं है. आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि फिल्म रिलीज़ हो रही है, बिकॉज इसका ये है मतलब कि women actually have the right to tell their story. So I think ये जीत सिर्फ हम लोगों की जीत नहीं है, ये जीत freedom of expression और women's voices of India उनके लिए भी है. आप ऐसा कोई एक मैसेज देना चाहेंगी सारी दुनिया को या सेंसर को या? Yeah, let's do our thing. Yeah. Okay. We'll just do our thing because I agree with whatever she's saying. Thank you. We'll do it. हम दोनों को frame में रखेगा इसके लिए. हाँ, आप दोनों. लिपस्टिक अंडर माय बुरखा रिलीज हो रही है 1 जुलाई. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.